ये देख यहाँ से चली जाएगी अपनी गाड़ी, क्या लगता है? लेकिन कई लोग हैं जाबाज, उन्होंने एक हथियार सा ढूंढ रखा है जो सीट बेल्ट के लॉक है ना उसमें चला जाता है। हाँ जी गाइस, क्या हाल है आपके? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई। आज है सैटरडे, आज मैं छुट्टी पे हूँ क्योंकि आज मेरा बॉस भी नहीं आया, तो मैंने कहा भाई आप नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगा आके। और आवाज इसलिए गूंज रही है क्योंकि भाई आज हो रही है बारिश दबा के। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मैं जो है भाई इसका मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई नहाने के लिए। पता ही होगा आपको कि मुझे नहाना कितना भयंकर भाई बहुत पसंद है। और फरीदाबाद का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है कि दरवाजा खोलते ही सावन तो बरस रहा है दबा के। आप लोग सोच रहे होगे मैं इतना चंपू सा क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि यार मैं फटाफट दाढ़ी बनवा के और मालिश करवा के आया हूँ। बहुत दिन हो गए थे सिर की चंपी कराए हुए। इससे पहले कि मेरे बाल झड़ने लग जाते मैंने कहा भाई गंजा होने से तो बेटर है नारियल के तेल से मालिश करा लो, 100 रुपये में हो जाती है, खत्म ना नहीं। वाह क्या बढ़िया भयंकर मौसम हो रहा है यार। पड़ोसी मेरे परेशान है, ये जब देखो छत पे आ जाता है अपना कैमरा उठा के। तीसरी बार हो रहा है भाई छत पे आया हूँ, बारिश खत्म, भगवान ना काटने पे लगा हुआ है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि मैं लास्ट टाइम आता भाई नहाते तो हम रहेंगे। ये हमारा अपना पर्सनल वाटरफॉल, कैमरे में आ रहे नहीं आ रहा पता नहीं मेरे को, पैसा तो इतना हो भाई पर्सनल वाटरफॉल वरना ना हो कोई बात नहीं। और फिर जाते हैं भाई, बारिश तो हो नहीं रही, तैयार त्यूर होके आते हैं। और आज सड़कों का ना आंखों देखा हाल, और इसी बहाने मेरी स्कॉर्पियो इनका अटैच भी हो जाएगा। ठीक है मिलते नीचे, बाय। भाई जैसे ही मैं जाने लगा बारिश तेज हो गई है। अच्छा ठीक है, नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा यार, इतना बढ़िया मजा आ रहा है ना यार छत पे, तो मौसम हो रहा है बढ़िया, नहाएंगे दोनों सही। हाँ कैमरा नहीं भीग रहा मेरा। बढ़िया मौसम हो रहा है। हमारे वाटरफॉल के क्या हाल है? वाटरफॉल देखता हूँ आ रहा है नहीं आ रहा। ये भाई ये हमारा वाटरफॉल है, पर्सनल झरना है, इस घर के साथ हमें फ्री मिला था। ओ भाई ये क्या है? इसके हमने पैसे नहीं दिए हैं, ये हमारा अपना पर्सनल नेचुरल रिसोर्स है। जिसके पास वाटरफॉल घर पे नहीं है लगवा लो, मज़ा बहुत आता है, कमी नहीं है भाई, कमी नहीं है बिल्कुल भी। चलो ठीक है भाई लोग, मैं नहा रहा हूँ नहाने पानी में। ऑफ कोर्स कोई अगर मिट्टी में भी नहाता हो तो भाई पानी में नहाना चालू कर दो, मिट्टी में नहाना ठीक नहीं होता। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है चलो ठीक है भाई मिलते नीचे, बाय। तो भाई नहा धो के कंगी कुंगी करके हो गए हम तैयार, आलू पूड़ी भी खा ली है हमने, क्योंकि यार बारिशों के मौसम में तो मज़ा ऐसे ही आता है। चलो ठीक है भाई लोग, वो बैठी है भानु कैंडी क्रश खेल रही है, मानती नहीं है बिल्कुल भी, और हम मिलते हैं गाड़ी में, बाय। वो भाई आ गए हम अपनी गाड़ी में, सीट बेल्ट हमने पहन ली है, वैसे भी पहनते ही थे, लेकिन कई लोग हैं जाबाज, उन्होंने एक हथियार सा ढूंढ रखा है जो सीट बेल्ट के लॉक है ना उसमें चला जाता है, तो मतलब सीट बेल्ट का साइन या जो नॉइज़ है वो तो आएगी नहीं, और सीट बेल्ट पहनने की भाई उनको आदत नहीं। तो हम भाई ऐसे जाबाज नहीं है, हम पहन लेते हैं सीट बेल्ट शरीफ बच्चों की तरह। सनरूफ कर दिया ऑन, अब चेक करते हैं हमारी भाई सड़कों का क्या हाल है। हाँ हाँ चल रहे भाई, लोगों को बारिश में भी साली इतनी जल्दी है ना, बुरा हाल है। मेरे को एक सवाल है, वैसे एक सवाल मारता हूँ, रुको जरा सबर करो, जवाब देना भानु। ओके ये लड़कियों का आम है क्या कि घर से निकलते ही कि कौन सी बेली पहननी है या कौन सी चप्पल पहननी है? बहुत तेज हो रहा है, है? बहुत तेज हो रहा है। ये सिर्फ मेरे साथ है, बाकियों का पता नहीं, आप बताओ और लड़कियां देखी हो तो। मैंने और तो लड़कियां नहीं देखी। मौका ही कहाँ मिलता है। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला,
और तो लड़े, लेकिन लड़कों का बहुत सही है, हमें सिर्फ भाई हवाई चप्पल चाहिए होती है, पहन ली और हो लिया काम। मेरा छोटा भाई तो क्रॉक्स छोड़ के गया था, उसी के क्रॉक्स पहली जा रहा हूँ मैं, जब तक घिसना जाए ना बिल्कुल ही हम ना लेंगे भाई। मिडिल क्लास फ्रॉम हार्ट, मिडिल क्लास। ये देखिए, यहाँ से चली जाएगी अपनी गाड़ी, क्या लगता है? पता नहीं, ट्राई करके देख लो। लोग कहेंगे जी भी सन की आदमी है, लोग लोग घर बैठ रहे गाड़ियां घुसा रहे हैं। भाई स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो तो घुसेगी। अच्छा हमको सिखा रिया है, संग को लगा रखी। वेंटो होती तो बंद जाती। वेंटो भाई मेरे पास इससे पहले फॉक्सवैगन वेंटो थी, इतनी बुरी हालत आदमी की ना, हालत खराब हो जाए कि कहां से जाए। अब देखो, दिखाओ इनको, दिखाओ ये कैसे भाई सिर्फ एसयूवी वाले मौज ले रहे हैं, और हम स्पेशली आए हैं अपनी गाड़ी का टेस्ट लेने। वो देख एक थार आ रही है भाई, थार और स्कॉर्पियो यही चल रही है। चार घंटे हो गए नॉनस्टॉप बारिश को और गाड़ी नहीं। ओ ये स्वैगर, ओ ये स्वैगर। चलो भाई, बाइक वालों पे बड़ा तरस आता है क्योंकि उनके पास ना कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं होती है इन चीजों में। मुझे वो टाटा नैनो बहुत याद आती है, वो टाटा नैनो भाई इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी, और लोग जो है उसको मतलब चलाया नहीं। वो एक और भाई आ रहा अपना स्कॉर्पियो वाला, ये ब्रो स्कॉर्पियो ब्रदर्स, देखा ही नहीं उसने, इग्नोर्ड इग्नोर्ड। बाजी बदल लिया साला। टाटा नैनो इसीलिए ही बनाई गई थी यार कि ये जो बाइक वाले बंदे हैं इनको ना इतना दिक्कत हो, बहुत अच्छी सोच थी, चली नहीं बेचारी। वन मोर इलेक्ट्रिक में तो भाग जाती, मतलब इलेक्ट्रिक में तो भयंकर था। अब जाते हैं और पानी वाली जगह पे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अंकल एक मिनट रुक जाओ, व्लॉग मत डिस्टर्ब करो मेरा, समझे? पता कितनी हिम्मत लगती है व्लॉग बनाने में। मैं जो हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। फोन खोलो, कैमरे खोलो, एडिटिंग करो। भाई यहाँ तो मेरे को लग रहा है मुझे भी नहीं जाना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। स्विमिंग करके जा सकते हैं। हनु बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पानी। ओ माय गॉड, यहाँ तो गलती ले लिया मैंने, ना लू या ले लू, ले लिया अब तो। यहाँ तो भाई दिखाई वाली गाड़ी दिखाना, इसके क्या हाल, हाल अर्टिगा निकल जाएगी तो हार निकल जाएगी। फरीदाबाद का ही हाल है, ये सभी का ही हाल है। गुड़गांव कितना फेमस है पता नहीं, उनके जो टनल है अटल टनल, उनकी अपनी अलग से टनल है। जनता माफ नहीं करेगी, कब ठीक होएंगे सब। इस बंदे ने सही कर लिया, यहाँ से शॉर्टकट मारने की कोशिश करी है। अरे हट जाओ रे, बच्चे खेलना है, देखो बीच सड़क में। हाँ बच्चे फन ले रहे हैं। किसी ने हाई नहीं करी, हमने यहाँ से भी निकल ली, लेकिन ये बात चप्पल हाथ में। हाँ चप्पल बह ना जाए ना समुंदर में। सही पकड़े हैं। जेट स्की खरीद लेते हैं, मैं सोच रहा था भाई जेट स्की कितने की आ रही है, चेक करें। रेंट वेंट पे दे दो। ओ नहीं रुक, कहाँ से आते हैं ये, कमेंट पे बताओ प्लीज। हाँ प्रमोशन कर लो कोई अपनी, पीछे पूछे कोई ना दे रहा भाई। तो गाइस हम स्पेशली यही देखने आए हैं कि चार घंटे की बारिश में क्या होता है, लेट्स सी। अभी ना मेन हाईवे चलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है यार, मेरे को तो बेस्ट लगा। जो हमारे यहाँ हाईवे बना दिया है ना सरकार ने, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने कती भाई, हैट्स ऑफ टू हमारी गवर्नमेंट। चलो कुछ तो कर दिया। हाईवे हाईवे दिखाते हैं अभी, कीप इट अप। हाईवे दिखाते हैं, यहाँ सड़क टूटी हुई, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल, यहाँ पानी नहीं है भाई, यहाँ पानी वैसे भरता है, आज नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे आज नहीं है, आज नहीं है। बच्चे ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। हाँ जी। अरे वाह, इतने उसमें भी पढ़ने जा रहे हैं, बारिश। प्राइवेट स्कूल वाले तो कति निकम्मे, मम्मी आज छुट्टी कर लो। हम भी घर ही बैठे हुए हैं, प्राइवेट स्कूल वाले क्या, प्राइवेट नौकरी वाले भी निकम्मे। बारिश हुई ना, ब्लॉग बनाने चालू, काम धंधा भी कर लो, देखना आगे फिर और बढ़िया पानी है। मतलब आज तुम्हारी वो इसकी थार दिखो, इसकी थार दिखो, पुरानी वाली थार बंदे ने बढ़िया करा रखी है भाई। दिखाऊं मैं, बीस्ट बीस्ट
बीस्ट एकदम कति बीस्ट बीस्ट इज द बेस्ट। अरे इन सब से बीस्ट पता है कौन सी हमारी वो फिएट। फिएट हमारे पास भी थी वो। हमारे पास नहीं थी मतलब हमारे पास थी माइक में। बढ़िया पानी शानी चल रहा है भाई। तो गाइस मैं तो ज्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि वीकेंड में बारिश हो गई है। तो खुश क्यों नहीं है भाई? नहीं वीकडे पे होती स्कूल पे होते आज कहीं घूमने का मन था बट ये सारा वाटर लॉगिंग की जगह कहीं जा नहीं सकते हम। हाँ देखो गाइस हम बिल्कुल घर बैठे हुए हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं। दिल्ली गुड़गांव जाने का मन था बट ये सड़कें देख रहे हैं दिल्ली वाटर लॉग हो चुका है। अरे मैंने तुम्हें फरीदाबाद में वेनिस दिखा दिया कमाल कर रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो हैं गाइस बिना वीजा के वेनिस जाना हो तो क्या करें। वेनिस ना ये वेनिस दिखा दियो कति जा रहे मेन हाईवे पे चुप हो जाओ डर लग रहा है मेन हाईवे पे जा रहे आंटी को देखो कौन सी आंटी बोली आंटी गई अरे कोई बात नहीं गाड़ी चलाओ कैमरा संभालू तो मुझे अरे या को पकड़ लो आगे बहुत पानी है आपको तो ड्राइव करनी है ना। हाँ मेरे को ड्राइव करनी है ड्राइवर वो है तो मुझे 20 रुपए सारी 20 रुपए सारी 20 रुपए सारे कोई ना आ रहा बच्चे तो मौज ले रहे हैं मौज ले रहे हैं ओए बच्चे मौज ले रहे हैं मौज मौज आ गई बेटे मौज आ गई मौज आगे भयंकर पानी भाई। समोसे वमोसे खिला दो कुछ समोसे वमोसे खिला दो बस आलू पूड़ी में चल रहे हैं अभी तो ऐसी क्या ओपन है भाई जब हमारा स्ट्रीट फूड इज नॉट रियली ओपन इसके बड़े फेमस है बाबा जी रेस्टोरेंट बाबा जी रेस्टो बार रेस्टो ओनली रेस्टो 7 तरह का गोलगप्पे का पानी यहाँ मिलता है उसका स्पेशल मसाला भी होगा यही पानी है ना जो नीचे से यही फिल्टर वरना टेस्ट सॉरी उसे सुन ना ले बाबा जी टेस्ट कैसे आएगा अगर वो स्पेशल मसाला नहीं बनाएगा तो क्या सीन है आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है स्पेशल मसाले वाले को लोग खाने का सड़क भी खाई जा रहे हो भाई का थोपड़ा भी दिखा फेस वैल्यू ना बने कती है सड़क ही सड़क दिखा रहे संदूक दिखा बढ़िया हमने इसके पता कितने ये डेढ़ लाख रुपए पेल दिया हुआ इसके चक्कर में हमने सिर्फ नहीं निकल सकती सनरूफ से हमने इतनी बढ़िया भाई मतलब इतनी बढ़िया मैंने सोचा था स्कॉर्पियो वाली लूंगा Z4 सस्ती कम से कम 2 लाख रुपए बच जाते फिर मेरे को लगा नहीं यार बीवी खुश नहीं होगी इस चक्कर में भाई फिर ये वाली ली हमने ऑटोमेटिक सनरूफ वाली बचपन से ड्रीम था मेरा सनरूफ वाली गाड़ी में आपने पूरा कर दिया क्यों उसमें भी तो है सोनट में तो अब हम आ गए मेन रोड पे ऑटो वाले भाई जाम लगा रहे ऑटो वाले भयंकर हम कहीं उतरेंगे कहीं ना उतर रहे भाई हमने कहा उतरना है भाई लोग यही वो हाईवे है जो हमारे साइड में चल रहा है या हम हाईवे के साइड में चल रहे हैं समथिंग इज हैपनिंग अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना तो ये बहुत बढ़िया हाईवे है 20 मिनट में आप बल्लभगढ़ से पहुंच जाओगे बदरपुर और फिर बदरपुर के बाद तो यार आ ही जाता है अपना जो बाईपास है बदरपुर बाईपास विच इज इवन बेटर आपसी बंडरी खत्म बारिश हो रही बारिश तो खत्म सी लग रही है मेरे को कैंडी क्रश ने अलग सापा पा रखा भाई घर पे 24 घंटे कैंडी क्रश पता नहीं ऐसी कैसी कैंडी है क्रशिंग ना हो रही इनसे 2500 लेवल मैंने पार कर ली है हमारे लड़कों ने क्रशिंग कर दुखी कर रखा है इनसे कैंडियां निकलेंगी जाना आहा, 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 आहा। आपने बोला था हनीमून के टाइम पे जब अंडमान जा रहे थे कैंडी क्रश लगा ऑफलाइन गेम डाल लो एक हनीमून अरे यहाँ देखो क्या बढ़िया पानी है कश्तियां निकालो अपनी सारी बाहर वो स्कॉर्पियो चल रही भाई पुरानी वाली
गैंगस्टर वाली गाड़ी है, गैंगस्टर वाली। हाईवे का एक चक्कर लगाएंगे और फिर चलेंगे हम कहाँ घूमने, शॉपिंग पे। कद्दू घर, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बारिश देख रहे हो कितनी हो रही है, तभी तो मेरा मूड ऑफ है आज। जो? सिर्फ गेड़ी के लिए, सिर्फ गेड़ी के लिए। तो गाइस एक सच खुलासा ये है कि इन्होंने बोल दिया है कि गाड़ी से निकलना नहीं है, उतरना नहीं है आज। तो खुलासा क्या है उसका, खुलासा क्या है भाई इसमें? खुलासा ये है कि टॉर्चर है, हम बाहर घूमने निकले हैं पर हम बाहर नहीं निकल रहे। हम बाहर घूमने निकले हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या बात है। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। ब्लॉगिंग चल रही भाई, ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स बना रहे हम, ब्लॉग्स आप बना रहे हो, हम सारे ब्लॉग बना रहे हैं। तो भाई हाईवे की अपडेट ये है, हाईवे तो एकदम सफा चट है, हाईवे पे तो लगना रही कोई बारिश। आई डोंट थिंक इट्स रेनिंग हियर एनी मोर, छोटा मोटा जाम जो लगेगा लगेगा, बाकी सब बढ़िया है। तो भाई लोग वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, सारी अपडेट्स हो चुकी है, हम जा रहे हैं घर। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। बानो का मुंह बन गया घर के नाम से, जल्दी घर। ठीक है बस, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग में। ऋषभ सुनेजा साइनिंग ऑफ, बाय। दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।